अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज और एक पास की चुनाई यहाँ पर। मैं मुझे सुबह कह के भी आए थे कि टाइम पे आना, लेकिन ये है कि मैं टाइम पे नहीं आया। खुद ही कर रहे हैं एक पास की चुनाई। बारिश हुई है और ख़वातीन मिलती नहीं है चुनाई के लिए, तो खुद ही कर रहे हैं। मुझे कह के गए थे कि अगर आप हिम्मत करवा दो तो हम जल्दी चुनाई कर लेंगे, लेकिन ये है कि भाई हिम्मत नहीं हो पाई। रात में थोड़ा लेट सोया था, इस वजह से जो है अभी खाना वगैरह खा के नाश्ता करके जो है अभी मैं आया हूँ। तो चलता हूँ, अब डांट भी पड़ेगी, आ गए हो अब भी ना आते, अब तो हमने चुनाई कर ली है। अच्छा तो खैर, पहले जो है मैं मिसवाक कर लेता हूँ, क्योंकि ब्रश मैं यूज़ नहीं करता। तो पहले जो है मैं यहाँ से टाली की मिसवाक कर लेता हूँ, तो उसके बाद जो है मैं आपको लेके चलता हूँ कपास में। बारिश की वजह से जो है पौधे अभी तक भीगे हुए हैं, घास भी नीचे से जो फूल तर है अभी तक। तो भाई मैं मिसवाक क्यों करता हूँ जी? एक तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ब्रश जो है मैं वो यूज़ नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सा टेस्ट हो जाता है मुँह का टूथपेस्ट से, तो मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं ज़्यादातर मिसवाक ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मिसवाक मेरी बन गई है तो इसे मैं चबा लेता हूँ। तो खैर मिलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। जी तो दोस्तों, धूप बहुत तेज़ लगी हुई है आज यहाँ पे, बारिश हुई है रात, और आज जो है मौसम बिल्कुल साफ़ है, हवा तक नहीं चल रही, फुल गर्मी है। ये अम्मी लोग कपास की चुनाई कर रहे हैं यहाँ पर जो है, उन्होंने कपास तोड़ के रखी हुई है। ये जी वैसे तो आप देख सकते हैं कि ये बारिश की वजह से कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बारिश में इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है। ये जो है अपने जो इसके टींडे होते हैं उससे बाहर नहीं निकल पाती सही से। हालांकि इसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसे किस तरह की होना चाहिए। ये जी इस तरह एक, ये जी ये देखें, ये इस तरह इसको होना चाहिए। ये उभरी हुई है टींडों से और बिल्कुल ये नरम है, यानी कि इसीलिए बंदा इसको यहाँ से निकाल सकता है। लेके चलता हूँ मैं आपको आगे। खैर ये इतनी चुनाई कर ली है, ये जी घर जाके जो है इसको पहले सुखाएंगे धूप में, उसके बाद जो है इसकी चुनाई करेंगे हम। तो अम्मी लोग जी यहाँ पे चुनाई कर रहे हैं इससे। ये देखें जी, अब्बू भी साथ हैं और वालिदा भी साथ ही हैं यहाँ पे जो है वो चुनाई कर रहे हैं। ये देखें जी कपास लगी हुई है माशाल्लाह, लेकिन ये है कि ये ख़राब हो चुकी है बारिशों की वजह से। ये हमारी ही नहीं जी, ये मुकम्मल तौर पे जितने भी लोग हैं तकरीबन सब की जो है कपास ख़राब हो चुकी है। अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये जी इस तरह हाथ को बना के, ये देखें जिस तरह मैंने बनाया हुआ है इसी तरह हैंड को बना के आप इस तरह, ये देखें जी इसकी जो है चार चार पार्ट होते हैं इसके, एक दो तीन और ये चार। तो इसको जो है इन चार फिंगर की मदद से ये देखें इस तरह जो है इजीली इसको निकाल लेते हैं। तो ये साफ़ हो गई, नीचे से यहाँ से कटाई कर ली जाती है, और कटाई के बाद जो है इसको जलाने के लिए एक साइड पे रख दिया जाता है। जब ये फुल तैयार हो जाती है ना, तो इस तरह से जो है ये लटक रही होती है नीचे, और बड़े इजीली जो है इसे तोड़ लिया जाता है यहाँ से। बस ख़वातीन माशाल्लाह इतनी फास्ट जो है वो चुनाई करती हैं ना, दो दो हाथों से जो है इतनी फास्ट करती हैं चुनाई। जी तो दोस्तों, आप में से किस किसने जो है ऐसे कपास की चुनाई की है? जिसने जिसने की है भाई, पहली बात ये कि उसको अपना बचपन याद आ गया होगा, और दूसरी बात ये कि आपने इंजॉय किया होगा और आपकी जो है वो याद तो ताज़ा हो ही गई होगी। तो जिस जिसने चुनाई की है वो मुझे कमेंट में बता सकता है कि भाई किस किसने ऐसी चुनाई की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। तो मैं पहले जो है वो चुनाई कर लेता हूँ। अच्छा तो दोस्तों, मेरे पास ज़्यादा कपड़ा वगैरह नहीं था, क्योंकि कपड़ा बांध के ना इस तरह ऊपर लेके जो औरत ख़वातीन होती हैं ना, वो कपड़े को जो है इस तरह ऊपर लेके फिर ये पेट पे बांध लेती हैं। तो मैं कपड़ा लेके नहीं आया था, तो मैंने सोचा अब कोई तो जुगाड़ लगाना ही होगा। पहले वैसे तो चुनाई कर रहा था, नीचे रख रहा था ज़मीन पे ही, मैंने सोचा नहीं ऐसे नहीं ठीक,
ऐसे फिर वहाँ से तोड़ूंगा, फिर तोड़ के जो है फिर उठाऊंगा उन्हें, फिर दूसरी जगह पे लेके जाऊंगा। तो मैंने एक छोटा सा जुगाड़ बनाया, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, काफ़ी फनी है। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने किया भी होगा, जब गंदम का सीज़न आता है ना, तो तब जो है बच्चे गंदम लेने जाते हैं ना, जिसको रेडी बोलते हैं, जब बच्चे रेडी लेने जाते हैं ना, तब जो है वो अपनी झोलियों में डालते हैं। तो मैंने भी कुछ इसी तरह का बनाया है, तो काफ़ी मज़े का है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये देखें जी, ये देखें कपास इसके अंदर, अरे काफ़ी फनी है, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है ये देख के ना। दोस्तों कपास की चुनाई करना इतना आसान काम भी नहीं है। ये देखें यहाँ पे जो है शहद का छत्ता लगा हुआ है, अम्मी की एक मक्खी लड़ी है फेस पे, लेकिन ये है कि बचत हो गई है। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ से जो है मैं इसे पहले तोड़ लेता हूँ, ये देखिए बल्कि पहले ही टूटे हुए हैं, लेकिन ये सही नहीं है, तो मैं कोई और तोड़ लेता हूँ यहाँ से। ये देखें जी, ये पंजाबी में हम इसे चिबड़ बोलते हैं, अब बाकी ज़ुबानों का मुझे पता नहीं है कि आप अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं। तो ये काफ़ी मज़े का होता है, आज काफ़ी अरसे के बाद जो है मैं इसे टेस्ट करने लगा हूँ। ये देखें ये बेलों पे लगते हैं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। वैसे सुना है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कहते हैं कि अगर गोश्त ना गल रहा हो तो इसको जो है काट के उसके अंदर डाल दें तो गोश्त इससे पक जाता है। तो वैसे मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तो मैं आपको खा के दिखाता हूँ। ये काफ़ी वैसे टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। आज देर बाद ही खा रहा हूँ, वैसे ये गर्म होते हैं इसलिए ना खाता नहीं हूँ मैं। काफ़ी मज़ेदार है ये, बहुत मज़ेदार, बचपन में बहुत ज़्यादा खाए थे। आज वैसे भी फ्राइडे है तो हम वैसे भी घर जाने वाले हैं, क्योंकि जाके नहा के जो है जल्दी से टाइम पे जो है वो जुमा पढ़ने जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।